नहीं होगा कोई। तो देखिए आप लोग, आप में से क्या करोगे, कोई बताओगे? जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ विवेक राज से। विवेक राज, चलो बताओ तो कैसे बनेगा भाई ये फर्स्ट वाला? द बॉय टोल्ड द टीचर्स। द बॉय टोल्ड। हाँ, इसमें जो है ना सेड को चेंज करना है टोल्ड में। ये तो आप करते ही आ रहे हो। वी वन था वहां पे, तो वी वन में कर रहे थे। अब यहाँ पे वी टू है, तो वी टू टोल्ड होता है टू का डायरेक्टली। इसके बाद तुम ये दोगे, ऑफसेट दोगे, टू को हटा दोगे, द टीचर लिखोगे। टोल्ड द टीचर्स हाँ, बिल्कुल पुराना दैट नियम है ना, वही सेम फॉलो करोगे, बस सिर्फ चेंज करोगे किसमें, तो टेंस में। अब ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले जो दैट देते थे वही दैट देना है। बी है। हाँ, इसमें बताओ क्या करें। दैट दे बी फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन यानी कि देखो ये सब्जेक्ट दे हमारा है, लिखा हुआ द बॉय, दे 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 द बॉयज लिखा हुआ है, तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है? तो द बॉयज के लिए ऑब दे ये प्रोनाउन देना पड़ेगा ना, क्योंकि एक बार द बॉयज आपने लिख दिया तो यहाँ पर दे लिखेंगे। दे सर उसके बाद बताओ, नीडेड नीडेड का प्रयोग करेंगे, ठीक है? उसके सर बाद देयर हो देयर हेल्प योर देखो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार द टीचर लिखा हुआ है। देखो देयर कैसे होगा भाई, देयर हेल्प द टीचर एक सिंगल है सर ना। देयर नहीं होगा ही हिज या हर हेल्प। होगा? हाँ हिज हीज हाँ होगा या या तो हीज होगा या तो हर टीचर्स होगा, नहीं क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है यहाँ पर, तो जनरली हीज का प्रयोग यस करना, सर ठीक है? हीज हेल्प। हेल्प अभी कोई देखो कुछ पूछ रहे थे, ये नीडेड का प्रयोग कैसे हो गया, चलो एक्सप्लेन करो जी कैसे हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है। पास्ट इंडेफिनिट हाँ, में वी टू का प्रयोग प्रेजेंट होता है तो नीडेड हो गया। प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस का वाक्य है चेला। देखो तो जब तुम्हारा ये प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस में रहता है ना, और रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है पास्ट में होता है, तो प्रेजेंट इनडिफिनिट टेंस को भी पास्ट में बदला जाता है, रिपोर्टेड स्पीच में भी चेंज ऑफ टेंस का ये रूल है। क्लियर हो गया? जी सर यस सर। अभी किनको प्रॉब्लम था, आप में से पूछ रहे थे कि नीडेड का प्रयोग कैसे होगा? आप देखो चुप है, अब बोलेगा नहीं। चलो सेकंड वाले बताओ, सत्या तुम बताओ, चलो कैसे बनाएंगे इसको। सर इसको होगा ये टोल्ड मी दैट। अरे दादी रुकिए, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई नेबर। यहाँ आर अब छूट ये गया योर, देखो ये लगता गलत है, तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, तो इसमें तो पहले है योर होगा लिखा आर छूट पड़ेगा, गया योर नेवर लिखा हुआ है ना। चुप हो, बोलो ना रे, योर राइट लिखा होगा कि नहीं होगा? यस सर मिस्टेक हाँ हो गया टाइपिंग करने हाँ में। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, योर होगा। तो ये देखो योर तुम्हारा यस सर सेकंड हम लोग पर्सन है, योर ही बनाए। ये माई लिखा हुआ है, देखो माई सॉरी मी लिखा हुआ है। मी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई हो जाएगा माई हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर नेवर लिख दो, ठीक है ना? ऐसे ही बनेगा ना। सर चलो सेकंड यस वाला खुशी, चलो बताओ कैसे बनेगा सेकंड, ये थर्ड वाला। सी टोल्ड
मी बताते जाओ, रुको मत, मैं लिखते चले सी जाऊंगा। वाज, सी वाज, डैड कौन देगा यहाँ पे? डैड, डैड, यस सर, डैड, डैड सी वाज, रेडी टू हेल्प इट। आप क्या लिखे, यहीं पर तो दिक्कत होता है, बताओ क्या लिखे यहाँ पर? इसका मी होगा सर, हर होगा, यू लिखा हुआ है ना, तो यू तुम्हारा सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट तुम्हारा देखना, ऑब्जेक्ट है मी तुम्हारा। अब मी का क्या होता है बताओ, ऑब्जेक्ट मी का ऑब्जेक्ट, हाँ मी खुद ऑब्जेक्ट है बउआ, इसलिए मी का यहाँ पर मी ही हो जाएगा। यस सर, तो मी हो। हाँ तो कंफ्यूज क्या हो रही हो, देखो ये सब्जेक्ट तुम्हारा सी लिखा हुआ है, इसके बाद सेड वर्ब है तुम्हारा, इसके बाद तो ये ऑब्जेक्ट ही है ना। यस सर, चलो 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 आगे बताओ, फोर्थ वाला तुम ही बताओ। चलो साहिल क्या बात है बोलो। सर जहाँ हेल्प है वहां पे हेल्पिंग होगा शायद। कहाँ पर? रेडी टू हेल्पिंग में, वही थर्ड वाले में सर। अरे भाई टू हेल्प इज इक्वल टू हेल्पिंग होता है ना, जब कभी आप टू लिखोगे तो टू हेल्प का मतलब होता है हेल्पिंग, ठीक है। पता है ना ये वाला बात? हाँ सर याद आ गया। हाँ ये टू हेल्प जो होता है इन्फिनिटिव के लिए होता है और ये जिरंड के लिए होता है, इसलिए सही है जैसा लिखा हुआ वहीं पर, ठीक। आगे बताइए फोर्थ वाला, चलिए बताइए, खुशी आप ही के लिए है ये भी, बताओ कैसे बनेगा क्योंकि आप कंफ्यूज हुए थे अभी। ये सर, ही टोल्ड हर, ही टोल्ड हर दैट, दैट हिज होगा। अरे सब्जेक्ट के प्लेस पे है तो हिज कैसे होगा, आई देखो सब्जेक्ट के प्लेस पर है ना, जगह भी देखना है आपको, yes. किस जगह पे बैठा है, सब्जेक्ट पे कि ऑब्जेक्ट पे, तो ये तुम्हारा सब्जेक्ट पे है तो आई है तो फर्स्ट पर्सन है, इसका ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अरे ही का सब्जेक्ट ही होता है क्योंकि देख लो, तो आई के प्लेस पे तुम्हारा ही हो जाएगा ये। अब बताओ आगे क्या लिखे, ही हेल्प, हेल्प 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 लिख दे, क्या होगा, क्या होगा, धन्य हो प्रभु। हेल्प तुम्हारा भीवन है ना, सब्जेक्ट प्लस भीवन, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस भीवन को चेंज कर, सब्जेक्ट प्लस भीवन को चेंज करना है सब्जेक्ट प्लस भी टू में। अभी देखो फर्स्ट वाला में वही बनाया था, ये सब्जेक्ट देखो, ये नीड तुम्हारा भीवन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट में चेंज करना है, भी टू में चेंज करना है, तो हेल्प का भी टू हेल्प्ड होता है, तो आपको यहाँ पर हेल्प नहीं बल्कि हेल्प्ड लिखना है, ठीक है बउआ। आगे देखो यू है तो यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन तुम्हारा ये हर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट में हर है और ये इसका क्या होगा बोलो, क्या लिखे यहाँ पर? ही टोल्ड हर दैट, हर, एक मिनट देखो यहाँ पर कुछ छूट गया है, छूट गया, ही लिखा हुआ है उसके बाद हेल्प लिखेंगे, He helped her लिखेंगे, हाँ उसके बाद because, बाकी सभी को वैसे ही लिख दो, कोई इशू नहीं होना चाहिए, चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस पे ही ध्यान दो अभी। because है उसके बाद देखो you है तो you ऑब्जेक्ट के अनुसार है ना, her के अनुसार बताओ क्या लिखे यहाँ पर,
सी सी उसके बाद वाज अ गुड गर्ल सी वाज अ गुड गर्ल ठीक है ऐसे ही बनेगा हाँ फाइव वाला कौन बताएगा एक मिनट रुको नाउ पलक पलक बताएगी हाँ ठीक पलक बताओ राम टोल्ड गीता राम टोल्ड गीता डैड ही वाज नॉट टू गोइंग नॉट टू होगा सर नोट के बाद टू नहीं है नोट के बाद गोइंग लिखा हुआ है नॉट गोइंग टू सर टू लगता है सर टू लगता है निगेटिव में अभी मैंने बताया क्या बताया था अभी देखो ये कोई पूछे थे ना कि टू प्लस भी वन yes, ये देखो क्या लिखा हुआ गोइंग लिखा हुआ है टू प्ले लिखोगे तुम ये बराबर होता है तुम्हारा प्लेइंग का यहाँ पर प्लेइंग लिखा हुआ है ना वी फोर लगा हुआ है जब वी फोर लगा हुआ है ना बउआ तो आपको टू का इस्तेमाल नहीं करना है जब आप टू लगाओगे तो फिर इसका वर्ब चेंज करना पड़ेगा वी वन देना पड़ेगा ये देखो वी फोर है ये तुम्हारा इन्फिनिटिव कहलाता है और ये तुम्हारा जीरंड कहलाता है एक और बंदा अभी पूछा था सर कौन पूछा था इसके बारे में अभी साहिल साहिल पूछा था हाँ वो भी लगा रहा था वहां पे क्या yes, देखो sir. कौन सा क्वेश्चन नंबर था साहिल फोर्थ थर्ड नंबर फोर नंबर में था फोर में तुम्हारा कहाँ है थर्ड था थर्ड 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 में है फोर में नहीं है देखो टू हेल्प लिखा हुआ है यहाँ पर ये देखो टू हेल्प तो ये देखो तुम्हारा क्या है ये भी फोर तो लिखा हुआ है जीरंड के रूप में प्रयोग कर ही दिया है ठीक है तो इसमें आप चेंज नहीं करना गोइंग टू हेल्प उसके बाद यू है चलो यू को चेंज करो आप हर यू सेकंड पर्सन है गीता के अनुसार अच्छा हाँ ठीक है हर ठीक है बन गया मुस्कान चलो तुम बता दो ये सिक्स्थ वाला टोल्ड मी डैट ही हैड क्या लिखें इसके बाद हैव को किसमें चेंज करना होता है हैड सर हाँ हैड में चेंज करोगे ठीक है उसके बाद नो टाइम फॉर नो लिखा हुआ है ठीक है नो टाइम फॉर और यू है सेकंड पर्सन में तुम्हारा इसका ऑब्जेक्ट है मी तो मी लिखोगे ठीक है ऑब्जेक्ट तो यही होगा इसका विवेक कुमार आप बताइए सेवंथ वाला they told me that they had done everything for me everything for me me उसके बाद देखो एट वाला कौन बताएगा कौन बच कम गए हो आप में से कौन बचे हुए जो अभी तक नहीं बताए हो सर जोयना सर हाँ जोयना बची हुई चलो जोयना तुम बताओ यू टोल्ड
हर हर दैट यू हैड नॉट बीटन हर ब्रदर योर है तो योर ऑब्जेक्ट तुम्हारा हर है. हाँ ठीक है हर हो जाएगा. हर ब्रदर हर ब्रदर. नेक्स्ट और कौन बचे हुए बताओ नाइन्थ वाला. सब लोगों ने बता दिया. सत्या विशाल चलो बताओ. सर विशाल अभी नहीं है. चलो तो फिर तुम ही बता दो. नौ नंबर का सर. हाँ 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 बताओ. He told me that. He had been waiting. ठीक है. Waiting for me. You है तो you object में है me. हाँ. For me. For 2 hours. कैसे चेंज हो रहा है टेंस में ये तो पता चल ही रहा होगा आप लोगों को. ठीक ना. ये सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू. अच्छे से सीखो ताकि आप लोग कुछ कर सको. लास्ट एक बचा हुआ है विवेक राज चलो बता दो तुम. मीना टोल्ड रवि दैट ही वाज हर बेस्ट फ्रेंड. रवि दैट He was her best friend. यू है ना तो यू तुम्हारा जाएगा रबी के लिए. रबी के लिए ही का प्रयोग हो जाएगा. हाँ और ही के साथ वाज लगाना है. वाज लगाओ. माई लिखा हुआ है फर्स्ट पर्सन है तो माई के लिए मीना. हर बेस्ट फ्रेंड. हाँ हर उसके बाद बेस्ट फिर फ्रेंड लिखोगे. ठीक है. यस सर. चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. आप लोग लेकिन मेहनत करने में कमी कर रहे हो. आप लोग होमवर्क बनाते नहीं हो. ये सबसे बड़ा गलत काम करते हो. एक एक्सरसाइज बनाते थे बस. हाँ बना लेते हो सही. उससे क्या 10 बनता है. ये घर पे भी तो बना सकते हो आप. घर पे बनाने का मजा ही कुछ और है. यहाँ पर बनाने का कुछ और है. इसके बाद देखो एक्सरसाइज तुम्हारा आगे का.